हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर, जिसमें हम इंक को आग लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंक में आग लगता है या नहीं। क्या होगा ये आपको वीडियो में आगे दिख ही जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लो। हेलो गाइस, मैं हूं नरेश और नरेश एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्त, मेरे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने पेन से इंक को बाहर निकाल लिया है। अब बारी है देखने की कि क्या इसमें आग लगेगा। तो चलो इसमें हम आग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये आग को कैच करता है या नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओके, उम्मीद है आपने वीडियो यहाँ तक ज़रूर देखा है और देखे हैं तो ये तो समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। क्या नहीं समझे? तो मैं समझाता हूँ। सो कॉन्क्लूजन ये है कि इंक फायरेबल नहीं है तब तक जब तक उसे कोई मीडियम ना मिल जाए जलने के लिए। जैसे कि लकड़ी, अगर लकड़ी में इंक लगा कर जलाएं तो आसानी से लकड़ी जलने लगेगी इंक की वजह से। उदाहरण के लिए आप मिट्टी तेल भी ले सकते हो कि मिट्टी तेल ऐसे ही नहीं जलता, उसे भी एक माध्यम चाहिए जलने के लिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट इसका भी है। सो गाइस, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।